दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि काफी तेजी से विकसित हो रहा है, पर यहाँ आज भी एक ऐसा गांव मौजूद है जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जहाँ जाने के लिए लोगों को पक्की सड़कें नहीं मिल पाती है, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी अपने हेलीकॉप्टर से आना जाना करते हैं। इस गांव में लोगों को पीने तक का पानी भी अच्छी तरह से नसीब नहीं हो पाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि हम इस गांव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और वह गांव कौन सा है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में आमामोरा नामक एक गांव है, जिसे हम छत्तीसगढ़ का आखिरी गाँव भी कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कोने में बसा हुआ है। यह एक ऐसा गाँव है जहाँ लोगों को ठीक से पीने तक के पानी, बिजली, रोड तक नहीं मिल पाते हैं। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन बहुत ही मुश्किल तरह से कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। इस गांव की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ बिजली तक नहीं पहुँच पाई। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन सोलार पैनल की वजह से कर पाते हैं। यह गांव में आप लोगों को एक पक्की सड़क तो दूर कच्ची सड़क भी देखने को नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे घने पेड़ मौजूद हैं और यहाँ अभी तक अच्छी सड़क नहीं बन पाई है। यह छत्तीसगढ़ का मात्र एक ऐसा गांव है जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है, क्योंकि यहां अच्छी सड़क मौजूद ही नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज इस वीडियो में इस गांव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह गांव में भले ही बहुत सारी सुविधाएं मौजूद नहीं है, पर यह गाँव काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे झरने, वाटरफॉल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस गांव की प्राकृतिक खूबसूरती ही इसे पूरे भारत देश से अलग बनाती है। इसे देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित होते हैं। जो इसे देखता है वह इसे कभी नहीं भूल पाता है। इस गांव में जाने के लिए आप लोगों को काफी सारे कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, पर यहाँ जाने के बाद जो आप लोग प्राकृतिक सुंदरता देखेंगे वह काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, यह था हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब गाँव और इसे हम आखिरी गाँव भी कह सकते हैं, क्योंकि यह गांव छत्तीसगढ़ के लास्ट में बसा हुआ है। तो यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।